हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर है एरिया ऑफ कर्व्स, उसका जो टॉपिक है क्वाड्रेचर पर बेस्ड हम इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। आने वाले वीडियोस में आपको इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम मिलते रहेंगे, सो डोंट वरी, हमसे जुड़े रहिएगा। आपको हम सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि क्वाड्रेचर होता क्या है। व्हाट इज़ क्वाड्रेचर, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेचर, ये बात आपके मन में आती होगी। तो डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। तो एरिया जो कार्टिजन फॉर्म में जो सीखेंगे, एक्चुअली ये अभी जो फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे वो कार्टिजन, उसके बाद हम पैरामेट्रिक में डिस्कस करेंगे, फिर पोलर में डिस्कस करेंगे, फिर पैडल में करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कार्टिजन सीख रहे हैं, ठीक है। कार्टिजन के हम दो प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी दूंगा विद आंसर्स के साथ। आप उनको ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो मुझसे पूछना, मैं आपको वो प्रॉब्लम भी करा दूंगा अगर नहीं होता है तो। आई होप आप वो कर ही लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपकी लिमिट एक्स में ए से बी में जा रही है तो फॉर्मूला लगता है वाई डी एक्स। अगर आपकी लिमिट वाई ए टू बी में जा रही है तो फॉर्मूला लगता है एक्स डी वाई। बेसिक फॉर्मूला है, क्लास ट्वेल्थ में भी आपने पढ़ रखा है। चलिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, ये हमें दे रखा है, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, एंड शो दैट द एरिया ऑफ इट्स लूप इज एट ए स्क्वायर अपॉन 15। देखो क्या बोला है यहाँ पर, कीवर्ड लूप छुपा हुआ है। तो देखो, आपका फिगर बनाओ ना बनाओ वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है क्वेश्चन को क्या पूछा है, फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया, एरिया आपको निकालना है। देखो जब भी लूप आए ना तो आपको क्या करना है, ट्रिक समझाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये फिगर बनाना नहीं आता है, ट्रेस करना नहीं आता है। कुछ कुछ को आता होगा लेकिन अधिकतर को ये चीज़ नहीं आती है। तो उसका ट्रिक है मेरे पास, 90% क्वेश्चन में ट्वाइस लगता है, ठीक है, लिमिट जो भी लिखते हो उसके इक्वल टू टोटल एरिया में ना ट्वाइस लगता है 90% क्वेश्चन में, लेकिन लूप वाले क्वेश्चन में ट्वाइस लगना ही लगना है, ये आप याद रख लेना, ठीक। और लूप देखो ये किसके लिए बोला है, एक्स स्क्वायर है यहाँ और ए माइनस एक्स है, जब एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे अंदर तो एक्स की डिग्री हाई हो जाएगी, यानी कि ये लूप एक्स डायरेक्शन में ही बनेगा, ऐसा ये फिगर ऐसा होता है। और लिमिट कैसे क्या होगा उसका टेक्निक क्या है, आपको एक फैक्टर दिखेगा समथिंग में, ए माइनस एक्स में यहाँ फैक्टर दिख रहे हैं, पुट तो आप क्या लिखोगे, ये एसिम्प्टोट्स के रिगार्डिंग बात करनी होती है, तो पुट ए माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा ए, तो जो लिमिट वेरी करेगी जीरो से ए करेगी, लिमिट ऑफ एक्स वेरीज एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू ए, आप फिर क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, ऐसे लिखना है रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देखो अगर इस पहले पार्ट का आप निकाल लेते हो एरिया, ये हमने स्ट्रिप लिया है, इस स्ट्रिप के रिगार्डिंग बात करेंगे और इंटीग्रेशन लेंगे तो पूरे क्षेत्र की बात हो जाएगी, है ना। तो अगर इस पहले पार्ट का निकाल लेते हो अपर और उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो पूरा आ जाएगा। तो वही चीज़ हम लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस, लिमिट ले रहे हैं हम एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर एक्स की वैल्यू ए तक, तो फॉर्मूला क्या लगता है, वाई डी एक्स, ठीक। अब हमें इस वाई का मान निकालना है, सिंस कर्व हमें क्या दे रखा है, ए वाई स्क्वायर इज़ टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए ए माइनस एक्स, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से तो एक्स आएगा, यहाँ पर अंडर रूट ए, अंडर रूट के अंदर ए माइनस एक्स, तो इस वाई की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करना है। आई बस समझ में, ठीक है। तो देखिए आगे स्टेप क्या होगा, आगे हमें यहाँ करना है, तो रिक्वायर्ड एरिया चल रहा है ट्वाइस, एक्स की लिमिट जीरो से ए तक है, वाई की वैल्यू है एक्स अपॉन अंडर रूट ए इंटू में ए माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, और इंटू में क्या है डी एक्स, ठीक है। तो ढंग से लिख लेते हैं, टू अपॉन अंडर रूट ए जीरो से ए एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। अब तो बस इंटीग्रेशन ही करना है, इंटीग्रेशन करो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन इस टाइप के इंटीग्रेशन में आपको बीटा गामा फंक्शन आना चाहिए,
जो कि मैंने पहले ही करा रखा है। अगर आपको उनको नहीं पता है बीटा गामा फंक्शन का कॉन्सेप्ट, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने करा रखे हैं। तो देखो, जब भी आपका 1 - x दिखे, चाहे वो अंडरूट में हो या अंडरूट के बाहर हो, तो एक्स को साइन स्क्वायर थीटा लेट करना होता है। अगर यहाँ पर ए नहीं होता, अगर वन होता, तो मैं ऐसे ही करता, ए है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, लेट एक्स इज़ टू ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट होता है उसको इन्वॉल्व कर लेना होता है। तो डीएक्स करेंगे, तो ए पहले पावर सॉल्व होती है 2 sin थीटा, और साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। ये चीज जाकर डीएक्स की जगह पर आप लिमिट भी चेंज करो, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ रखोगे तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू जीरो किस एंगल पे होती है, जीरो पे होती है। तो जब एक्स की वैल्यू जीरो तो थीटा जीरो है। व्हेन एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ पर भी ए रखोगे, ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, वन साइन स्क्वायर थीटा। किसकी वैल्यू होती है, वन पाई बाई टू की, थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, पाई बाई टू। तो ये चेंज हो जाएगा आपका फ्रॉम ए वी है, तो ए चेंज होकर क्या होगा, टू अपॉन अंडर रूट है तो बाहर था ही, लिमिट जीरो पे जीरो है और ए पे पाई बाई टू। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, ए साइन स्क्वायर थीटा रख दी हमने, ए साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट ए की जगह तो ए ही रहेगा, एक्स की जगह पर ए साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह पर ये रखना है। तो ये थोड़ा क्रॉस होता जा रहा है क्योंकि इसमें आ नहीं रहा ना, तो यहाँ से ए 2 sin थीटा कॉस थीटा इंटू में क्या है, डी थीटा। देखो यहाँ से क्या है, 2a है, यहाँ से a है, तो 2 × 4 ए ए ए स्क्वायर अपॉन में क्या, अंडर रूट ए, लिमिट 0 से पाई बाई टू। साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, साइन की पावर 3 थीटा, और इधर से क्या है, कॉस थीटा। यहाँ से देखो ए कॉमन है, तो क्या कॉमन है, अंडर रूट है, अंदर क्या बचेगा, 1 - sin² थीटा, ठीक, और डी थीटा। अंडर रूट ए से अंडर रूट है कैंसिल, तो क्या बचा, 1 - sin² थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट आएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 4a² 0 से पाई बाई टू साइन 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो जब साइन में साइन की पावर समथिंग हो, कॉस की पावर समथिंग हो, जब लिमिट से 0 से पाई बाई टू, तो वहाँ पर हम बीटा mn यूज़ कर सकते हैं, है ना, बीटा फंक्शन। तो अब यहाँ पर हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, बीटा m। तो m की जगह पे कौन सा रूट, m की जगह पे 3 है और n की जगह पर 2 है। हियर m इज़ टू 3 और n इज़ टू 2। फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं हम, देखो फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ लगता है m बाई टू एन प्लस 1/2 अपॉन में 2 लगता है गामा के अंदर, m प्लस एन प्लस 2 अपॉन 2, ये फार्मूला लगता है। तो m के प्लस पे 3 है और n के प्लस पे 2, रख दो वैल्यू यहाँ पर, थ्री प्लस 1/2 2 प्लस 1/2 अपॉन 2, तो 3 प्लस 2 प्लस 2/2, ठीक है, ये वैल्यू रख दी, 2 2 2a² यहाँ से आ जाएगा गामा 5/2 3/2, और यहाँ से 5 × 2 7/2, ठीक है। अब गामा से गामा काट मत देना, ठीक है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको रूल पता होगा, गामा एन स्क्वायर टू क्या होता है, n-1 गामा के अंदर n-1, इस प्रॉपर्टी से हमें खोल देना है। तो जब 2a² यहाँ आ जाएगा, n-1 करोगे 5-1, तो आ जाएगा 3/2 गामा के अंदर 3/2, और 3/2 को खोले हुए 1/2 1/2, यहाँ से क्या जाएगा, एक कम करोगे तो 5/2 गामा के अंदर 5/2, ठीक है। एक स्टेप कम करते तो एक साल ये कट जाता ना, ये सारा कट जाता। चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी फिर से खोलो, तो 2a² 3/2 ये आ जाएगा 1/2 इस रूल से, और अंदर आ जाएगा फिर से 1/2, कम करेंगे तो यहाँ गामा 1/2 यहाँ 1/2,
नीचे 5/2 है, और 5/2 से कम करो 3/2, 3/2 गामा के अंदर फिर बचेगा, फिर खोल देंगे 1/2, गामा 1/2 कट रहा है, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 3/2 से 3/2 बचा। ठीक, अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 8a² / 50, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कर लिया हमने बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का, और ये क्वेश्चन 2012 में आ रखा है, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, डिक टू। ठीक है, देखिए, तो अब की बार भी लिमिट कहाँ जा रहा है, एक्स से, एक्स लिमिट फ्रॉम 0 to a। फिर से लूप होल है, तो फिर से रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, अब की बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ट्वाइस लगता है सामने, और एक्स की लिमिट 0 to a, फॉर्मूला लग जाएगा ydx। अब यहाँ से आपको क्या करनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, जैसे अभी हमने किया था, तो वाई की वैल्यू रख दोगे 0 to a, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से रखने के बाद सॉल्व करके वाई की वैल्यू आपको मिलेगी, सॉल्व करके रखोगे तो यहाँ से अंडरूट एक्स, यहाँ से इंटू में एक्स माइनस ए, और अपॉन में आ जाएगा अंडरूट 3a dx। ठीक, तो बाहर क्या आ जाएगा, 2/√3a, बाहर लिमिट जाएगी x की 0 to a, x से अंदर गुणा कर दो, x की पावर 3/2 हो जाएगा माइनस a, x की पावर हाफ, इंटीग्रेशन कर दोगे। ये तो बहुत सिंपल हो गया एक्चुअली, 2/√3a इंटीग्रेशन, x की पावर 3/2 में 1 जोड़ोगे तो 5/2, अपॉन में 5/2 a बाहर, x की पावर 3/2, और 3/2 नीचे भी लिमिट 0 to a। ठीक है, तो एक बार क्या रखना, अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रख दो माइनस करके, तो 2/√3a, तो यहाँ 2/5 हो जाएगा, अपर लिमिट a की पावर 5/2, a ऑलरेडी है 2/3, a की पावर 3/2, फिर क्या रखना है, 0 x के प्लेस पे, तो बाकी तो सारा 0 ही हो जाएगा। ठीक, इसको अब आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8a² / 15/√3। ठीक, इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, दो क्वेश्चन, पहला जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो है ट्रेस एंड फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व, आंसर आएगा πa². ठीक, ट्राई करिएगा। दूसरा है ट्रेस एंड फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व जो हमें दे रखा है ये, और इसका आंसर भी आएगा πa². तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपसे हो पाया है कि नहीं हो पाया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।